हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। की हाल है, कैम है जी? सिहतां होर सुनाओ। मैं कहा अज दे ब्लॉग दे विच नाले आपां वीडियो बनाई जांदे, नाले आपां गल्लां करदे रहिंदे आ। तां गल्लां करदे आ आपां डेयरी दे आमदन दे बारे, है ना वी। विच जिवें आपणे भरा कहिंदे आ वी नहीं, डेयरी धंधे दे विच कुछ नहीं बचदा, नहीं करदा, है ना। बचदा सारा कुछ ही हुंदा जे आपां मतलब लगन नाल मेहनत नाल कम करदे रहांगे। ते कई वारी इहो जिहा टाइम वी हुंदा वी जिवें ड्राई कोई पीरियड आ गया वी मझां आपदा खर्चे पूरा करने ही आ कल्लियां, मतलब लेबर का खर्चा पूरा कर देनी, आपका खर्चा पूरा कर देनी है। पर अज तक मतलब भी पलों नहीं खादियाँ, कहने का भाव यही है, ठीक है। तो यही चक्कर है भी अपने सारे भरा की करते हैं भी सारे की एक सोच ही सैट भी यह जहाँ बनया। लेटी पाई भी सीन ये थले थोड़ी जी रहेगी, माड़ी मोटी चटन जी रहेगी खोलनी, कहने का भाव इन्होंने सारिया ने खा लिया, सारिया खोलनिया बेलियाँ। वो दिल्ली वाली कहीं थोड़ा जि पे कख पता नहीं ऐ क्यों कर दी होंगे तेरे, मैं कुछ करदा। ये अपनी नीली है जी, ये दी भी हुण तुहानू छवाई दिखावांगे थोड़े दिनों तक। तो ये हीट दे विच आई भी है, आ तारा हैगी है, अज इहदे उत्ते पारस कट्टा छड्डदे आ डायरैक्ट ही। जमा आपां देख सकते ना पूतल के जमा पतलियां तारा, बिल्कुल इहदे उत्ते आपां पारस नूं छड्डांगे अज, डायरैक्ट लवा देंगे। जो बाकी गल उही करते सीगे, सच पहले हाँ तो गल पूरी कर लीए, इन भी पारस तो मैं तां लवाउणा। ये अपनी नीली दे विच बहुत ज़्यादा चंगी मज है, बड़े चंगे दुध दे रिकॉर्ड है, तो बच्चे बड़े चंगे दिंदी है। हुण पारस भी मैं खाया छड्डीए, तो भी मूहरे आने वाले समय के क्योंकि ये थोड़ा जा रंग कटना कला जरूरी है, जिवें अख बिल्ली तो मगरले दो पैर चुट्टे, बस इन्नी है नहीं ये कला। तो बाकी सारी बॉडी टच सारा शो, सारी बॉडी मतलब नीली दी बड़ा ज़्यादा चंगी कंपैसिटी है। तो बाकी एक्टिव इन चार दिन मिलकर फ्री रहे, चार दिन बोतल लगती रही, पर यदि भी चवाई करवावे, चलो मेला तो ना गया, दो कुछ दिन तक करवा देंगे, हाँ दो चार दिन हीट छड जाते, तो उदू बाद यदि चवाई करवावे आप। सारे भरा देखो जरूर, है ना, जुड़ियो। तो इनू भी हम छेती क्रॉस ही करवावे आप, मतलब कहने का भाव हम पूरी गौर करने वाली है। यी गब्बनी है चक्करवाती से, आप ये हम दुबारे टीके भराते, दुबारे कल फिरता रही अं टीके भरा, सत्त अठ दिन हुए, तो देखते नहीं कोई दवाई दवाई धरावे, ये भी गब्बनी है। तो हो रही दुध की गल है ना, जी आमदन की आप गल कह दें भी आमदन भी हो भी आमदन भी अद्ध किमें बचता, तो जोड़ा भी बचना है ना हर सैटम के भी, जो आप अपने को पशु घट है, जे मान लो अपने को पशु दो चार है पशु है, तो जो चारे सूए हुए हैं तो जिन्ना टाइम वो वधिया रहनी है तो सूँ दुध देनी ही देनी है। तो जे चार पशुओं के मान लो दो सूपियाँ तो दो खाली छड़ियाँ भी अपनिया, मतलब मान लो लो जी इन्हें भी कर्म वाली ने वीडियो बनाने के चक्कर लग गया पता, तो ये भी आ गई हीट के शुकर है दाते का। तो बाकी सोडे भरावान दवावान ठीक है जी, तो हूँ पतलियाँ तारा हो जाते जमा, जो पतली तार हो गई थल्यों जे खड़ी भी हो जाए ना, मतलब थल्यों कहने का भाव लत्तां तक आँदी तार टुटे तो फिर जाके बनूगी गल, तो फिर जाके वह होगा भी जिहड़ियां भी तारा गई है ना वो तारा सब तो जो पतलियाँ रहन तो जमा, जो तार है हुण जिवें यह तारा हजे मोटियां बरीक नहीं होंगी, जो ब्रीक तारा हो गई तार जे खड़ी भी हो जाए जिमें तार लुक हुआ जमा जाके गोडें तो थले जाके टुटे ऐ पतली पतली ऐ जमी ऐन पता लगे उन्होंने भी खड़ी होकर यार हाँ दो फुट लंबी होकर फिर तार टुटी है उदा, मतलब जाके उदो पहला टीका भरा ठीक है वधिया सैट बनता। तो रही गल आमदन की, आमदन तो इदा ही है भी जिम्मे हम पशु थोड़े हो जाते हैं, मान लो हूँ जिमें अपने को हूँ आह मान लो आह झूठी दुध देई जाती है, ये देई जाती है आह मतलब पंजे देई जाती है, चलो वह सूआ खराब हो गया फिर भी दुध तो चलो पाँदी पांच छः लीटर ही दिंदी है दिन का जानी कि दिंदी है ना, तो इदा हो गई वो मझा सूपियाँ ये मतलब दुध देने वाली नौ दस है तो बच्चे एक दो टोकड़ा जोड़ियाँ छड़निया थोड़े टाइम च, मतलब सत्त क पशु है दुध देने वाले वधिया। तो उदू बाद जिमें सत्त पशुओं के जोड़ा खाना दानी है 48 पशु खाते हैं, 39 पशु है छोटे बड्डिया तो, क्योंकि जोड़े छोटे बच्चे आ गए ये भी कारगिल फीड खाते हैं, क्योंकि दो ढाई किलों का खाते ही खाते हैं, बाकी छोटे बच्चों थोड़ा बहुत दुध होने का खर्चा मझा ज नहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो बाकी होर झूटा झूटा हो गई झूटे हो गए खाने वाले, पर प्रॉफिट अपन वो आता जे हूँ पं मझा रखिया पंजा मझा जो दो मझा सूई भी हैं दो सून वाली एक अद्धी अजे खाली तुरी फिर दो तीन बच्चे भी लाजमी होने यकीनन वो एक अद्धी मझ का आप दुध घर रख लेने एक अद्धी का पाने हूँ एक अद्धी मझ का जे मतलब मान ला 10 लीटर दुध भी पाया जाता 500 का है तो 500 रुपया मैं कहना 8-9 पशुओं नहीं सरदा 500 के नाल, तो उन्होंने कहने का भाव वो भरावान आप देखते हैं भी वह कहें बचद नहीं क्योंकि वह नहीं बचता। जिहड़ियां मैसां की बचन की गल ये होंगी मैसां की बचन की गल जिवें हुण पशु है अपने घट्टो घट्ट नाल वाले 10 क मतलब मझां होण 10 मझां के विचों 5 क मझां
मतलब चार पांच उहदे सदर सूईआं होण, एक दो तोकड़ां चली जांदियां होंदियां वी छड्डण वालियां, दो तीन उहदे छड्डियां वा होंदियां वी मूहरे सूण वालियां, उहदे विच प्रॉफिट पूरा वधिया। क्योंकि उहदे विच जिवें मान लो हुण अद्धा पंजां दा जे 50 लीटर दुद्ध वी पाउणे आ 2500 रुपये दा हो गया, ठीक है, खाण वाले 10 पशु है, 200 तों वध कोई वी नहीं खा सकदे, 1000 रुपये खाणगीआं, ते इक जे सीरी वी रख्या वा 10 पशुआं ते 300 रुपये दिहाड़ी उहदी कढ लो, ठीक है, फिर भी सूँ 1000 रुपया वो पल्ले पेगा, 30000 रुपया तुम बचावोंगे बचावोंगे। तो जिदनों सोडिया वो मझा डराई होनी है जड़िया चार देखा, जिदन वो तोकड़ा होनी है जिड़िया दो दूजिया तोकड़ा चली जाएगा वो आप छड़ देनी है, तो जड़िया नवं तीन वो सू पैनी है, ठीक है जी, और मतलब एवरेज चली जाती रही चली जाती रही है। हूँ जिम्मे बदे जिमें कहते मेरे खर्चे बद गए तो सून वाली घटा हो जाए, चार झोटियां ऐड हो गई या जी दो ऐसी बड़िया खराब हो गई तो चार नवी सू पी झोटियां, मतलब उत्थे है दुद्ध ऐती मेरा कटिया मैं अगले साल में, क्योंकि ऐती मैंने ऐसी भी चार झोटियां सूण लगा बाकी मझा, क्योंकि एक दो मझा सूईया नहीं टाइम टूम खराब हो गए, एक दो मझा ऊँ खराब हो गए, चार पांच बड़िया मैसा खराब हो गई, वह जी चार सूटियां सूपिया, मतलब कोई फर्ज नुकसान नहीं, मतलब बचती है, ठीक है। थोड़ा ड्राई टाइम के भी मैंने मैसा बचा 30-40 हज़ार रुपया, जो सज्जर का टाइम होंगे उदो जो सारा सूआ वधिया पैंदा तो ज़्यादा बाजदे आ, तो नहीं कहण का भाव बंदा 60-70 हज़ार रुपया मौज नाल बचा सकता है। तो जिहड़ी आ मगरली अपनी सेफ्टी है, आ कट्टियां बैठियां, आ कट्टियां बैठियां झोटियां तैयार हो जांदियां, इन्हां चो मान लो आ दुद्ध देण वालियां दो टुकड़ां, आ झोटियां हो गईयां, आ सारी अपनी कमाई है, एक बैंक है, बैंक च जमा हो जांदे आ, जदों वड्डियां हो गईयां 3 साल बाद अपना अपनी FD आप कढ़ा सकते हैं, सारे बच्चे मतलब मान लो आप 3 साल बाद बेच सकते हैं, जे 3 साल बाद भी आप तैयार करके आप 10-15 बच्चे भी बेचांगे, ठीक है, फिर भी आप 5-7 लाख रुपया एक्स्ट्रा वट सकते हैं, वह भी आप मतलब साल की कमाई जोड़ सकते हैं, भी 2-3 लाख रुपया जर मैं मझा बेच के कमा लैं, ये चीज़ें आ जाएगा थोड़े थोड़े नाल। तो हाँ जे थोड़ा थोड़ा चीज़ ही गलना भी जी मैं बाण के इन ट्रालियां तूड़ी दियां बनाइया, तूड़ी क्योंकि पहला भी आप बनाते हूँ थोड़ी जी जिम्मे पशु वधी जाते वध बनाई जाने नहीं, अगर तूड़ी बना के रख लेंगे जी, तो जो सियाणा जो पता होंगे भी वधूगी वो तो बेच देंगे, बेचते भी किन्ने वो 10-15 हज़ार रुपये की आप बेचते होंगे, इनक तूड़ियां बच जाए बे बिकदियां, ठीक है, उही हरा चारा है। अज भी साढ़े आस पास ग्रमांड के पता होगा 40-50 पशुओं के करीब हो गए छोटे व्डे, तो बड़िया सारिया 25-26 है, ठीक है, तो अज भी साढ़े 1 किला मतलब हरे चारे का बीजा वा होंगे, तो पहला भी साढ़ा 1 किला बीजा होंगे सद मतलब 11 बेला हो गया बाया है नहीं कोई गल नहीं, तो अद्धा बेला हो गया बाता, हूँ मतलब जिन्ने के किला बीज उस मगर दी मगर बीजी जाने रहने, देखो 40 पशुओं भी किला सार तो वो भी किला सार, दूजी गल जे किले की आप ठेके की गल करिए, ठेका 70 हज़ार है, तो मेरिया मैसा साल के 70-80 ट्रालियां रेहदियाँ बन दियाँ, 1000 रुपये तो घट वधिया रेह की ट्राली नहीं सूँ मिलती, 70-80 हज़ार रुपये इन्होंने गोबर का भी देना बेचारिया ने, जिन्ने के इन्होंने सोडे बाण की जमीन के कख खाने उन्ने की इन्होंने गोहा देना, मतलब गोबर आप ट्रालियाँ हिसाब ना 1000-1200 की वधिया बिकती है, मतलब हर चीज़ दिंदी एक हर चीज़ है, हर चीज़ के प्रॉफिट है जो आप कहा जाए, हर चीज़ खर्चा मेनटेन रखना, खर्चा मेनटेन सब तो बड़ा लॉस उदों हुंदा, मैं एक चीज़ होर भी देखी है, जो फीड का पैसा टुटता, फीड का पैसा उदों टुटता जो आप कह दें भी कोई गल नहीं यार ऐसी आप करा गांहले साल भी आप गांहली बारी दे देने ऐसी धार चक लेने आप पैसे घर वरत लेंगे, नहीं उदो समझ लो आप फेल वाल वधन लग गए, वो चीज़ अपनी फेल होवेंगे आप, क्योंकि जो ए हो गया भी आह पैसे मैसा देकर घर वरत लो गांहली फीड है, ठीक है, अपना एक असूल बनाया वै भी चलो कहते होंगे भी परमात्मा सुख रखे जी है ना, सुख देने वाली है सारा कुछ, तो भी एक यही रूल बनाया वै असी 3 खातों के मतलब दुध कढ़ते हैं, ठीक है जी, जिहड़े 2 खाते है उन्होंने जमा बचत कढ़ते हैं, जिहड़ा मेरा खाता होंदा खुद मेरे खाते दे मतलब 1 ड्रम उस वेले 80 किलो मैं दुध कढ़ाऊंगा, ठीक है, लगभग मेरे को जिवें हुण फैट मेरी वध हुंदी है 7-5 तो उपरी हुंदी है 52-53 रुपये दुध पैंदा, यानी कि कहण दा भाव 45-47 हज़ार की एवरेज जी मान लो 45-46 हज़ार रुपये का 10 दिन का दुध पैंदा मेरे जी, ठीक है, 1.25 लाख रुपये का दुध 45-90 90-45 1-30-35 का पैंता, 90 हज़ार रुपये की मेरी फीड बनती है, हूँ भी मैं परची बना देना मैसा की महीने की, वो 90 की तो बनती है 82 हज़ार का समान आ जाता, बाकी जी कोई मझ सूँ की या सूपा की वे वास्ते जिम्मे खल मंगा के रख ली 2 क्विंटल एक्सट्रा बड़ेमें की, ठीक है, यह चीज़ा एक्सट्रा बना लैने, तो बाकी कुछ मैं कैल्शियम मतलब मान ला 7 हज़ार रुपये का सदर सूंगा वा ये चीज़ा कुछ हो गई है ना, जो पाना पशु इदा की चीज़ मतलब मैं रख लैना, तो ये मतलब वो मेनटेन रख लेना, जाने कि जो मेरे को पैसे होंगे ना मेरे को 15-20 हज़ार रुपया आपके खर्चे वास्ते रहा भी मैं जाना आना कुछ होर करना, ठीक है ना, घर देने जो मेरे तो मंगने नहीं मैं देने, ठीक है, क्योंकि वो मतलब मैं सारा खर्चा मतलब चला देता, तो जो दूजे 1000-1200 का एक खाते दुध निकलता, तो दिन का वध निकल जाता 1200 का भी होता 1300 का भी होता एक खाते च, मतलब जो खाते के असी मतलब एक्सट्रा रखे हुए मतलब एक खाते के बिल्कुल कढ़ाते नहीं भी चलो जो कोई कम बढ़ना
भी कट्ठे पैसे कढ़वा लीद तो एक खाता जो मम्मी वाले खाते मां लो बाई चांस कोई होर अपने जरूरत पैंदी है कोई 10-20 हज़ार रुपये घर बरतना है करना वो उधरले खाते चो कढ़ा लीद मतलब हर चीज़ मेनटेन रखनी पैंती है जे हुण अपने जरूरत पैंदी है मैं कहिंदा वी 1 लाख रुपया इत्थे मैं बरत लूँगा यार अगले बारी मैं फीड दे दूँगा एक बारी फीड दे पैसे टुट गए तो याद रखो सारा सूआ फीड दे पैसे नहीं लैंदे बंदे तो तो जो फीड के पैसे लेंदे नहीं बंदे तो उदों ही प्रॉब्लम आती है उदों एक टाइम यह जहाँ भी होंगे क्योंकि दुध के जोड़े आते फीड के बद देने होंगे दुध के घट आते जो ड्राई टाइम आ जाता फिर अपना दिल करता भी यार एक दो जानवर बेचने पैणगे फिर सैटिंग आँदी है ना तो यह मतलब वाह कुछ देखना पैंता भी सारा मेरी रिक्वेस्ट आई है भी जोड़े भी भरा नवे काम करते ना एक तो भी आप जो भी पशुआ का आप दुध वाला काम स्टार्ट हो गया मेरा दिल कहता भी मैं आपके फार्म की स्थिति दसदा भी जे मेरा दिल कहता भी जे आप डेयरी वाले तो पहले पैसे लेने फिर भी नहीं आप कामयाब होंगे जे आप दुध वाले तो पहला पैसे लेने क्योंकि ऐ हों जो कोई हिसाब तो होनी भी दे 5 दे 10 दे 15 दे भी वो भी कम खत्म हो जाता वो भी मेरा शुरू शुरू के मतलब सैट मैं करके देख लिया वो भी कम फेल है उस तो बाद मैं दुध टुटवा दिता सी घर दिता सी घर 2-4 रुपये वादू आप पाने तो पर जे कोई लै जाता यार दोस्त लाता वो एंड जो हिसाब करता वह जो 1000-2000 घट दे जाता वो भी नहीं वाद उस कभी डेयरी में भी दुध घट जाता उस ठीक है तो बाकी नुकसान ऐ हों भी उन्हें महीने देते उन्हें 10 दिनों देते वो पैसे आते जेब च पाले कमां धंधा के बच्ची जवाक जू की खोर देंगे उन्ने पैसे का 5-10 हज़ार रुपये वो भी मैं करके देख लिया वो भी मैं जो यार दोस्तों रिक्वेस्ट की भी वीर बन के दुध तुम्हें तो लैनी है दुध तुम तो डेयरी तो भी लै सद होर भी लै सद मेरा सिस्टम खराब हो जाता 5-10 लीटर दुध ना ही मतलब वो भी फिर मैं बंद किया क्योंकि मैं एक थान से दुध पा के खुश हाँ एक थान के उत्ते जो पैसा वो एक थान से ही आए 10 दिन बाद एक थान से आपको पता लगे भी अपना यार 1.25 लाख रुपये का दुध पै गया ठीक है जी महीने का वो बच्चों आप 1-1.25 लाख रुपया सने बर्चा के सारे के खर्चा पानी घर माड़ा मोटा जो कबीलदारी ढांचा चलता तो हर चीज़ वो चीज़ ना सिस्टम लोट हो जाता है ना तो भी यही मनना भी जोड़ा भी मर्जी है भी खर्चा प्रॉफिट बहुत सोहना प्रॉफिट है प्रॉफिट तो आऊगा जोड़े आह खड़ी है ना मगर इन्हों FD समझो जड़िया अपन मगर कट्टिया झोटियां तैयार हो जाएँ आप FD समो तो फिर पता हूँ मेरे को थान टैट है आ गां मेरे को मामे कहने भेजी सी ये हूँ मैंने कई मित्र कहें यार उन्होंने फड़ा दे की करने हूँ मैं तीजा भी कहना कहना भाई गां दे तो जिन्होंने मैं आ गया मैं गां सारिया मझा दुद्ध कट्ठा जाता है गां का भी बचे पाने गां का कि दुद्ध है 7.5-8 लीटर दोनों टाइमों का कितने 7 लीटर 7.5-8 लीटर इन्ना दुद्ध है 7 लीटर ही मनो 1/2 लीटर घट ही मनो 7 लीटर मेरा मैसा का 52-53 रुपये पैंता यदा भी बची जाता ढोल देता भी 52-53 रुपये पैंता अज 50 रुपये ला के 350 रुपये का दुद्ध दी जाती है मैंने यही गां ठीक है जी साढ़े हूँ नाले गब्बर होगी पोडर पुडर चली जाता पूरा वधिया दवाई दवाई धराती है ना तो 350 का मतलब दुद्ध चली जाता है यदा 350 के फीड यदि 4 किलो ही है सिर्फ आने दो किलो 27-27 रुपये अपनी फीड बनती है ठीक है तो जे 27-27 1,00,000-1,20,000 रुपये मान लो सारे खर्चे 1,20,000 रुपये है जोड़ा फीड है होर मतलब पोडर पुडर है मान लो 130 मान लो जे हूँ नहीं रही आप पोडर पुडर का खर्चा वध कर दें 150 मान लो 350 का 150-200 रुपये तो इन्हें देता ना 200 पशु के नाल पूरी सज्जर महस की फीड आँदी है एक मझ का खर्चा है कल्ली नाल तुरी बैठी है तो मेरे हिसाब के नाल ये जिन्ने के दुध पाऊँगे जी आन इनू ये कलियाँ मतलब आ कली गां जो 350 रुपये की आ सारे फीड खाते होंगे जेड़े आ बैठिया झोटिया झोटिया बद तो बद 20-50 रुपये होर खा जाने उन्होंने देखो एक पशु ने खर्चा कटता ना जे आही मैं मझ अज फार्म के बच्चे यार दोस्त को दिना भी गां ले जा 7 लीटर दुध वाली है जरा है ना भी मेरे को मझा च लूट नहीं आती तो उदी मान लो यदा 350 दुध आ गया ना तो उ 21-22 हज़ार रुपये जी खुराक आ मेरे पलों होर पैन लग जू ये चीज़ भी बड़ी मेनटेन रखनी पैंती है मेरे जो पशु थोड़े टैट हुए इसे करके हुए हैं भी कोई चक्कर नहीं आप टैट टाइम निकालेंगे हौली हौली फार्म पा देना जो लोट लग्या बाबे ने कृपा करती सिर ते हत्थ रहा सारा कुछ हो जाना पर जो दुध है उन्होंने मेनटेन रखना बहुत औखा है ना प्रॉफिट है प्रॉफिट हर चीज़ है जे आप चलेंगे तो पर जे वह प्रॉफिट है जी बिजनेस के आप रें आप दुध के पैसे दुध के पैसे ही आप पहला फड़ लेने पहला फड़ के खा लेने ठीक है फिर प्रॉफिट है नहीं वीरे क्योंकि अपने कबीरदारा के सूँ पता ही है जट्टा का तो अपना बह घाड़ी उही हों लोहा ही नहीं पूरा हों तो जट्टा तो कहें होंगे हकीकत ही है भी अपने उदू जो कोई चीज़ बदली उदू ट्रैक्टर पुराना हो जाता ट्रैक्टर बदली है तो गड्डी पुरानी हो जाती है गड्डी पुरानी होंगी कोई बोर करना पैंता कोई मोटर लगानी पैंती इदा ही टाइम लंघ जाता पर ये इन्ना नहीं यकीन मतलब तुम बस जो भी मर्जी बंदा सुट जो मैसा रखता गाइया रखता एक बार तुम ये करके देखो कि औखे जे होकर किरण जोड़े कोई माड़े मोटे दुध वाले के पैसे फड़े होंगे ज कुछ होर होंगे एक बार सैटिंग जी करके तुम उदू बाद देखो तो उदू बाद मैंने तुम 2-4 महीने कमेंट करके जरूर दसो भी हूँ किमें है सूँ फ्रॉउट होया कि ना होया क्योंकि मेनटेन रखना हों अज तो अपने को अच्छ सज्जर है सज्जर वाले पैसा वाद हों जे आप सज्जर वाले एक दो मतलब फीड का आधार कर लिया तो जो तोकड़ा होनी उदों का अपन जो आधार एक दी बार करना भी पै गया
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੋਕੜਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਐਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੱਢ ਲਓ ਯਾਰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਲਓ ਪਸ਼ੂ ਘਟਾ ਲਓ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਮ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਫੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆਧਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ, ਬਸ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਫੀਡ ਆਧਾਰ ਆਉਣੀ ਆਧਾਰ ਆ ਕੇ ਫੀਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1,00,000 ਦਾ ਦੁੱਧ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80,000 ਦੀ ਫੀਡ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੋਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਊਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੀਡਾਂ ਵਾਲੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਡਰਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਾ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੈ। ਠੀਕ ਆ, ਫੀਡ ਬਣਦੀ 80-80,000 ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 18-19,000 ਬਣਦਾ, 18-19,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਅੱਜ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਣਦਾ 80,000-82,000 ਦੀ ਫੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ 15-16,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 15-16,000 ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਧੋਖੜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕੱਢਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੀਡ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਗਰ 2-2-3-3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਝੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਈ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜੇ ਬਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੀ ਖਰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ।